अंशु, आज तुम्हारा महीना पूरा हो गया है तो तुम्हारे साहब ने ना मुझे तुम्हारे को सैलरी देने के लिए दी है, ये लो। धन्यवाद मैम साहब आपका। अरे अंशु, तो ये क्या कर रहा है, एक बार पैसों को गिन तो ले। अरे मैम साहब, अगर आपने दिए तो पूरे ही होंगे ना। देख अंशु, पैसे गिनना ना बहुत अच्छी बात होती है, तो तू एक बार पैसे गिन तो ले। मैम साहब, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं पैसों को गिन नहीं सकता। क्या अंशु, तुझे गिनना नहीं आते? कोई बात नहीं, ला पैसे मुझे दे, मैं गिन देती हूँ। ये देख, इसके अंदर ना 2000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए थे, ये ले। ये 2000 रुपए मैं रख रही हूँ। अच्छा हुआ मैम साहब आपने पैसे गिन दिए, वरना आप मुझे ज्यादा पैसे दे देते तो साहब का नुकसान हो जाता। हाँ तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर इसके अंदर पैसे थोड़े ज्यादा चले जाते ना तो तेरे साहब को मेरे ऊपर ही शक होता कि मैंने ही गलती करके पैसे तुझे ज्यादा दे दिए होंगे। तो अब तू मेरे को ये बता कि तेरा काम कितना बचा है। मैम साहब, मैंने सारे कमरे तो साफ कर दिए, बस यही वाला कमरा साफ करने के लिए बचा है। अच्छा ठीक है, तो तेरा इसी कमरे का काम रह गया ना, कोई बात नहीं, वो सारा काम मैं कर लूंगी। तू जा, पहले जाके ना मार्केट चले जा, क्योंकि घर में ना सारी सब्जियां खत्म हो गई है। ये पकड़ 500 रुपए और सब्जी लिया, और तेरे सब्जी लाने के बाद अपने घर चले जाइयो, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अरे अंशु, कहाँ जा रहे है तू, इधर आ। जी साहब बोलिए। वंशु, मैंने ना तेरी मैम साहब को तेरे पैसे देने के लिए दिए थे, क्या तेरे को वो पैसे मिल गए? हाँ साहब मुझे मिल गए, पर साहब उसमें से 2000 रुपए ज्यादा थे तो मैम साहब ने निकाल लिए वो। क्या अंशु, इसमें 2000 रुपए एक्स्ट्रा थे? पर मैंने तो पैसे गिन के दिए थे और मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। वैसे तू मुझे एक बार बता, जो पैसे तेरे मैम साहब ने तुझे दिए हैं वो भी है तेरे पास? हाँ साहब। ला दे फिर इधर। अरे ये क्या अंशु, इसमें तो 2000 रुपये कम है, पर तू बता रहा है कि तेरी मैम साहब ने इसमें 2000 रुपये निकाल दिए, वो एक्स्ट्रा है, ये कैसे हो सकता है? चल अंशु कोई बात नहीं, तू छोड़ दे, मैं काम करता हूँ, मैं तेरी मैम साहब से पूछ लेता हूँ। जसमीत, अरे जसमीत इधर आना जरा। अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम? जसमीत तुम मुझे एक बार बताओ, तुमने अंशु को कितने पैसे दिए? जितने तुमने दिए थे सारे दे दिए। लेकिन जसमीत तुम मुझे एक बार बताओ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए कम है और मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए थे, अब तुम मुझे सच सच बताओ वो 2000 रुपए कहाँ चले गए? क्या इसके अंदर 2000 रुपए कम है? अरे अंशु तू कितना लापरवाह है, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तेरे को पैसे दिए थे और 2000 रुपए तूने कहाँ गिरा दिए? अरे मैम साहब, अभी तो मैं घर से बाहर भी नहीं गया, भला मैं अभी पैसे कहाँ गिराऊंगा? अभी आप ही तो कह रही थी कि इन पैसों में 2000 रुपए ज्यादा है और आपने ये कह के तो पैसे निकाल लिए थे। अरे अंशु तेरे को झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तू तो एक तो ऊपर से पैसे गिरा के आ गया और ऊपर से चोरी का इंजाम मेरे ऊपर ही लगा रहा है। आज तो ये चोरी का इंजाम मेरे ऊपर लगा रहा है, कल को तो तुम्हारे ऊपर भी लगाएगा। तभी ना मैं तुम्हें कहती हूँ कि ऐसे नौकरों को ना घर में रखना ही नहीं चाहिए, ऐसे नौकरों को ना घर से धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। देखो जसमीत, झूठ बोलने की ना हद होती है, और तुम कितना झूठ बोलोगे, मैं ना सब कुछ अच्छे से जानता हूँ कि वो पैसे है ना इसने कहीं गिराए नहीं, तुमने ही निकाले। तुम मुझे एक बार बताओ, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, तुम अंशु के पैसे कैसे चुरा सकते हो? तुम मुझे सच सच बताओ तुमने क्यों किया ऐसा, और क्यों कम दिया अंशु को पैसे तुमने? अरे जसमीत, एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितना झूठ बोलोगे, मुझे ना अच्छे से पता है इसके पैसे ना तुमने ही लिए, और तुम इसी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने पैसे कहीं गिरा दिए। जसमीत इतना झूठ मत बोलो, और जसमीत तुम मुझे एक बार बताओ तुम्हें क्या मिलेगा इसके पैसे मार के, और मुझे एक बार बताओ तुमने ऐसा करा क्यों? तो मैं करती भी क्या, इसके पैसे में से पैसे नहीं निकालती तो, वैसे भी तुम मेरे को शॉपिंग के लिए कौन सा पैसे दे देते हो, और वैसे भी ये तो अनपढ़ गंवार है ना, तो मैंने सोचा इसको पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं, तो इसके पैसों में से 2000 रुपए निकाल लेती हूँ। अच्छा जसमीत, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दूंगा तो तुम इस गरीब के हक मारोगे? तुम मुझे एक बार बताओ जसमीत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अच्छे से पता कि अंशु तुम पे कितना विश्वास करता है, और तुम क्या कर रहे हो, इसका भोलेपन का फायदा उठा रहे हो, ये पढ़ा लिखा नहीं है तो तुम इसको कम पैसा दोगे? अरे जसमीत तुम मुझे एक बार बताओ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी, तुम्हें शॉपिंग के लिए जरूरत थी, तो तुम मुझे आके बोलते, मेरे पे पैसे नहीं होते तो मैं मना कर देता, अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें देता ना। और जसमीत तुम मुझे एक बार बताओ, तुम कितनी फिजूल खर्ची करते हो, हर बार तुम्हें शॉपिंग के पैसे तो नहीं दे सकता मैं, 30 दिन में तुम 15 दिन तो शॉपिंग में उड़ा देते हो, तो इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं, इतना मैं कमाता भी नहीं हूँ जो तुम्हारे को इतनी शॉपिंग करवाऊंगा। और जसमीत तुमने जो अंशु के साथ करा है ना, ये बहुत गलत करा है, तुम मुझे एक बार बताओ किसी के हक मार के शॉपिंग करा जाता है, किसी का हक के पैसे से शॉपिंग करा जाता है? नहीं ना, शॉपिंग ना खुद के पैसे से किया जाता है, किसी का हक मार के नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शॉपिंग करना है तो तुम मुझसे आके बोलो ना, मेरे पे होगा तो मैं दे दूंगा, पर ऐसे किसी का हक मारना ना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी गरीब का हक मारना ना बहुत बड़ा गुनाह है जो तुमने आज करा है।
और जसमीत तुम मुझे एक बात बताओ, अंशु हमारे घर में कितनी मेहनत करता है। ये हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम करता है। ये बेचारा कितनी मेहनत करता है, पूरा महीना भर मेहनत करता है, जब इसको 8,000 रुपये सैलरी मिलती है और तुमने क्या करा, उस 8,000 में भी 2,000 रुपये गपा लिए। साहिल तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझसे ना आज बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसके साथ गलत किया है। अंशु मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जाने जाने में गलती हो गई। मैम साहब गलती तो हर इंसान से होती है और आपको आपकी गलती का एहसास हो गया वही मेरे लिए बहुत है। जसमीत बस माफ़ी मांगोगे या तुमने इस बेचारे के जितने पैसे लिए हैं वो वापस भी करोगे? करो चुपचाप से उसके पैसे वापस। हाँ मैं अभी देती हूँ, ये ले अंशु तेरे पैसे। और हाँ अंशु हीरे तेरे सारे पैसे, अब तेरी 2 महीने की सैलरी ना पूरी हो गई है। ठीक है साहब। और देखो जसमीत तुमने ये आज करा ना बहुत गलत करा, किसी के साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो तो बच्चा था इसलिए कुछ नहीं कहा, अगर उसकी जगह कोई और होता वो बाहर जाके बोलता तो हमारी कितनी बदनामी होती है। जसमीत आगे से ना तुम कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना, समझे? हाँ साहिल तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। ठीक है जसमीत अब तुम जाओ और जाके अपना काम करो और मैं भी अपना काम कर लेता हूँ।